Let's do question number 4th of exercise 4a, that is quadratic equation. Question number 4th is, show that x equals to minus bc upon ad is a solution of the quadratic equation. Ye show karna hai ki x ki value agar hum minus bc upon ad rakhte hai is equation mein, to kya wo is quadratic equation ka solution hai ya nahi hai. To kaise karenge, chaliye dekhte hain. Sabse pehle apni equation utar lete hain. Hamari equation hai AD square AX upon B plus 2C upon D into X plus BC square equals to 0. तो अब कैसे पता चलेगा कि X जो दे रखा है minus BC upon AD इसका solution है कि नहीं है. अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखते हैं जो दे रखी है, वो जीरो के इक्वल आ जाती है, जीरो आ जाती है, तो दैट मींस इट्स अ सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी थी ए डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी प्लस टू सी अपॉन डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर, राइट. अब कैसे करेंगे, देखिए ए डी स्क्वायर सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, बाद में ले रखेंगे एक्स की वैल्यू. ये कितना आ गया, अब इस डी की मल्टीप्लिकेशन ए एक्स में और इस बी की मल्टीप्लिकेशन टू सी में, तो ये आ गया डी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू टू सी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा ए डी स्क्वायर ए डी एक्स प्लस टू बी सी अपॉन बी डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर. अब हम एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये आया ए डी स्क्वायर ए डी, एक्स की वैल्यू है माइनस बी सी अपॉन ए डी प्लस टू बी सी अपॉन होल अपॉन बी डी इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फिर से रख रहे हैं माइनस बी सी अपॉन ए डी प्लस बी सी स्क्वायर. अब जो कटता है काट दीजिए, किस में से काटेंगे, लेकिन आप यहां से लेके यहां तक की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है आपस में, राइट. तो देखिए यहां से मैंने ए से ए काट दिया, डी से डी कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे एक डी था, ये डी कैंसिल हो गया, राइट. अब ये देखिए ये क्या आ गया ए डी ब्रैकेट में माइनस बी सी प्लस टू बी सी अपॉन बी ब्रैकेट में माइनस बी सी प्लस टू बी सी अपॉन बी, और इधर कितना आ गया दूसरा ब्रैकेट माइनस टू बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी अपॉन ए डी प्लस बी सी स्क्वायर. अब देखिए ये बी से बी कैंसिल हो गया, ये पूरा ए और डी कैंसिल हो गया क्योंकि आपस में मल्टीप्लिकेशन थी, तो ये कितना बच गया. अब देखिए ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, ये माइनस का है, ये प्लस का है. जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है और साइन बड़े वाले का और लगता है, तो टू बी सी में से वन बी सी गया, तो बी सी बचा प्लस का, राइट. माइनस का यहां से सिर्फ बी कैंसिल हुआ था, सी अभी भी बचा हुआ है, तो माइनस माइनस का सी प्लस बी सी स्क्वायर. तो ये कितना आ गया माइनस का बी सी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस सी का स्क्वायर हो गया, बी सिंगल ही था तो सी का स्क्वायर कर दिया प्लस बी सी स्क्वायर. अब एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया तो कितना आ गया जीरो. नाउ लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो हेंस एक्स इक्वल्स टू माइनस बी सी अपॉन ए डी इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक
equation. Answer.